लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने के लिए लुभाने की कोशिश और वादे करते नजर आते हैं और हर पार्टी के नेता अपने अपने ढंग से ये तमाम कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान कुछ ऐसे भी वादे किए जा रहे हैं जिन पर हर कोई विश्वास नहीं कर पा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की ऐसे ही एक चुनावी वादे पर सामाजिक कार्यकर्ता मधु किसवर ने इतनी नाराज हो गई कि उन्होंने एक आपत्तिजनक ट्वीट कर दिया। बता दें कि इस ट्वीट में उन्होंने राहुल गांधी पर हमला किया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। मधु किसवर की इस ट्वीट को लेकर काफी आलोचना भी हो रही है, हालांकि राहुल गांधी का अब तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं आई है। राहुल गांधी ने चुनाव से पहले दो बड़ी घोषणा की है। पहली घोषणा सोमवार को राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में गरीबों के लिए न्यूनतम आमदनी गारंटी योजना का ऐलान के रूप में की थी। इस दौरान राहुल ने कहा है कि कांग्रेस ने ऐतिहासिक फैसला लिया है कि 2019 में पार्टी सत्ता में आई तो न्यूनतम आय गारंटी योजना शुरू की जाएगी। राहुल गांधी के दावों को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता मधु किसवर के ट्वीट पर सोशल मीडिया पर भड़ास छिड़ गई है। बता दें कि ट्विटर पर एक यूजर को जवाब देते हुए मधु किसवर ने लिखा है कि उस पल का इंतजार करो जब राहुल गांधी सभी वयस्कों के लिए फ्री सेक्स का वादा करेंगे। इसके बाद से मधु किसवर इस ट्वीट पर सोशल मीडिया के जरिए एक्टिव है और दोनों तरफ से ही लगातार बयानों की बारिश हो रही है। आपको बता दें, हालांकि इसके बाद किए गए ट्वीट में मधु किसवर ने उनकी आलोचना कर रहे लोगों को भी कड़े शब्दों में जवाब दिए हैं। ये पहला मौका नहीं है कि इससे पहले भी कई बार मधु किसवर के ट्वीट को लेकर चर्चा का विषय बन चुकी है। वेरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।